Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Students, today we are going to discuss a new topic, that is power. It is the last topic of this chapter. Last topic लेंगे power solve करेंगे and इसके बाद collisions भी आता है लेकिन collisions नहीं करेंगे उसको solve छोड़ देंगे collisions को. ठीक है powers करते हैं power देखते हैं power what is the power and how can we define the power. Power का मतलब क्या है? आप कहते हैं ये इतना ज़्यादा powerful है, वो इतना ज़्यादा powerful है. ये आपका बाइक कितना या कोई इंजन इतना पावरफुल, ये वाला इंजन इतना कम पावरफुल है. ठीक है तो पावर का मींस क्या होता है? या जैसे दो फ्रेंड है करेंगे एक के पास पावर ज्यादा है एक का पावर कम है, तो अलग अलग चीजों की हम जब अलग अलग चीजों को मेजर करते हैं तो उसको पावर के थ्रू मेजर करते हैं. तो पावर बेसिकली क्या होता है? ये वर्क करने की कैपेसिटी होती है कि कोई भी एजेंट या कोई भी सिस्टम या कोई भी इंजन वो कितना वर्क करने की कैपेसिटी रखता है या पर यूनिट टाइम में या पर यूनिट सेकंड में वो कितना वर्क कर सकता है उसकी कैपेसिटी को हम कहते हैं पावर. तो पावर बेसिकली वर्क करने की कैपेसिटी है. ठीक है तो पावर को डिफाइन करेंगे द रेट ऑफ चेंज या द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. ठीक है सिंपली डिफाइन है, सिंपल डेफिनेशन है. द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, मतलब काम करने की जो दर है, वर्क करने की जो कैपेसिटी है, वर्क करने की जो रेट है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? पावर कह रहे हैं. कोई जैसे लेट अस सपोज कि एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, ये वन सेकेंड में कितने सेकेंड में 1 सेकेंड में ये 100 जूल वर्क करता है और ये कहता है 1 सेकेंड में ये करता है 200 जूल वर्क करता है. लेट अस सपोज कितना 200 जूल वर्क करता है. तो इनके वर्क करने की कैपेसिटी जो है दोनों की डिफरेंट है. ये 1 सेकेंड में 100 जूल वर्क करता है, ये 1 सेकेंड में 200 जूल वर्क करता है. तो हम कह सकते हैं कि बी की जो पावर है वो ए के कंपैरिजन में कितना है? 2 टाइम्स. मतलब बी 2 टाइम्स ज्यादा वर्क कर सकता है किसके कंपैरिजन में? ए के कंपैरिजन में. तो इसका पावर 2 टाइम्स है किससे? ए से. तो रेट ऑफ doing work is called power. So simply power P is equal to W by T. rate का means होता है time से division. तो P is equal to W upon T. P is equal to W upon T. So unit of power, power की unit क्या होगा? यूनिट ऑफ पावर दैट इज जूल पर सेकेंड. देखिए वर्क हो जाएगा जूल, टी का हो जाएगा सेकेंड. तो जूल पर सेकेंड और वॉट, इसको कहते हैं वॉट कहते हैं. ठीक है तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की अलग अलग पावर्स होती हैं. जैसे आपका एक इलेक्ट्रिक बल्ब है तो इलेक्ट्रिक बल्ब का अपना पावर है. ठीक है जैसे आपका इलेक्ट्रिक फैन है तो उसका भी अपना पावर है. कोई इंजन है तो उस इंजन का अपना पावर है. कोई सिस्टम है तो उसका अपना पावर है. जैसे कोई मैन है या वुमेन है वो वर्क करता है या करती है तो उनका भी अपना क्या है? पावर है. ठीक है तो हर किसी सिस्टम की, हर एक किसी ऑब्जेक्ट की, हर एक लिविंग थिंग्स की अपनी अपनी क्या है? पावर है. तो पावर को मेजर करते हैं किसमें? वॉट में मेजर करते हैं. तो पावर P इज इक्वल टू W अपॉन T. सो नाउ इफ डेल्टा W वर्क इज डन इन डेल्टा टी टाइम, देन एवरेज पावर का मीन्स है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम. एवरेज पावर को डिफाइन करेंगे द रेशियो ऑफ टोटल वर्क टू द टोटल टाइम. टोटल वर्क टू द टोटल टाइम, तो टोटल वर्क एंड टोटल टाइम के रेशियो को हम कहेंगे एवरेज पावर कहेंगे. एंड एवरेज पावर P इज इक्वल टू डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी. तो डेल्टा W इज रिप्रेजेंटेड एज द टोटल वर्क डन एंड डेल्टा T इज रिप्रेजेंटेड एज टोटल टाइम. लेट अस सपोज इफ डेल्टा T इज वेरी नेग्लिजिबल्स या लिमिटिंग टू टेंड टू इंफिनिटी. मतलब डेल्टा टी को यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक कंडीशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं कि डेल्टा टी जो है आपका वो नेग्लिजिबल है. इट मीन वो टेंड कर रहा है जीरो को. अगर डेल्टा टी टेंड कर रहा है जीरो को देन
average power P is equal to limit delta T dW upon, sorry, delta W upon delta T, or delta T tends to 0. And this quantity we will write dW upon dT. And dW upon dT is represented as instantaneous power of a system. Instantaneous power instantaneous instantaneous power isko dekhenge hum instantaneous power dekhenge theek hai to dw upon dt is the instantaneous power of a system so now next what is the dimension of power dimension क्या होगा पावर का जल्दी से पावर का डायमेंशन तो पावर का डायमेंशन होगा हमारा सिंपली देखिए जूल इट इज अ वर्क का डायमेंशन डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइड बाय क्योंकि एम डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस एफ का हो जाएगा एम एल टी माइनस टू इंटू एल एल स्क्वायर अपॉन T upon T then ML square T minus 3 this is the dimension of power and power is a scalar quantity it is a scalar quantity ये मार क्या है scalar quantity है कैसी quantity है scalar quantity है ठीक है तो power P is equal to W upon T क्योंकि W भी scalar है T भी scalar है तो इसीलिए power भी हमारा एक scalar quantity है मतलब इसका direction से कोई relation नहीं है ठीक चलिए बहुत बढ़िया and power is a terms of force and velocity power is a terms of force and velocity or we can say power is a dot product of force and velocity तो उसको हम derive करते हैं देखते हैं तो देखिए इसमें सिंपली हम क्या करते हैं रिलेशन बिटवीन पावर फोर्स एंड वेलोसिटी रिलेशन बिटवीन पावर फोर्स एंड वेलोसिटी एंड पावर फोर्स एंड वेलोसिटी में अगर रिलेशंस देखेंगे देन वी कैन राइट हियर देन Power P is equal to W by T और we can say dW upon dt ये लिख सकते हैं P is equal to dW upon dt and work is equal to F into dx W is equal to work F dot dx is the displacement and let us suppose here F is the constant force F it is a constant force मान लीजिए ये constant force है so now W is equal to F dot dx substitute the value here then P is equal to D upon dt so F dot dx and we know that F is a constant then इसको integration से बाहर ले लेंगे तो लिखेंगे D sorry F dot x यहाँ पे F dot x लेते हैं x is the displacement ठीक है then F constant हो जाएगा इसका differentiation करेंगे तो dx upon dt and we know that dx upon dt is what dx upon dt it is a rate of change in displacement and rate of change in displacement is called velocity then यहाँ पे dx upon dt को लिख सकते हैं velocity तो ये जो F dot v तो power is equal to डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी तो जो आपका पावर हो जाएगा फोर्स एंड वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा ठीक है एनी डाउट देन यू कैन आस्क ऑन अ कमेंट सेक्शन सो नाउ लेट अस सी सम न्यूमेरिकल्स व्हिच इज बेस्ड ऑन पावर दो तीन न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसमें सिंपल से ठीक सो नाउ फर्स्ट न्यूमेरिकल
First environment. A man weighing 60 kg climbed up on a staircase staircase carrying a load of 20 kg on his head. The staircase has 20 steps each of height 0.2 meter. If he takes 20 seconds to climb, find its power. Find its power. कह रहे कि एक man है जिसकी weight है 60 kg. ठीक है, वो एक stair पे climb करता है एक load को लेके, load का weight है 20 kg है और stairs में जो steps बने हुए हैं वो 20 steps है and per steps की जो height है वो आपको given है 0.2 meter. What and it takes 10 seconds to climb, find the power. मतलब उसको चढ़ने में 10 seconds का time लगता है, तो power कितना होगा? सुनो, देखिए total mass m is equal to, देखिए उसका weight 60, 20 का load ले रखा है, that is 80 kg. तो total weight कितना हो गया उसका? 80 kg and height of stairs. Height of stair is given as 0.2 meter and 20 steps है. ठीक है? So now height 20 into 0.2 meter. ठीक है, multiply करेंगे तो 40 तो 4.0 तो ये 4 meter. Height हो जाएगा 4 meter. अच्छा 80 kg weight को वो 4 meter height पे raise करता उठाता है, तो कितना work करेगा? Then work done, W is equal to, it is equal to the potential energy of the system. क्योंकि जब वो raise करेगा किसी भी body को या किसी भी object को, तो क्या होगा? At a certain height पे उसके पास potential energy होगा. वो potential energy ही किसके equal है? Work done के equal. So now work done is equal to mgh. यहाँ पे directly हम concept किसका use करेंगे? Potential energy का. mgh. So now m is what? That is 80 into g. G is what? 10 ले लेते हैं into h is equal to 4, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3200 जूल. देन पावर p is equal to w by t and t is given as 10 second, then 3200 by 10 डिवाइड करेंगे तो 320 वाट. कितना जाएगा? 320 वाट. तो इसका पावर है 320. Is it clear? So now, next. Next question is. So now, a human heart discharge 75 ml of blood at each beat against a pressure of 0.1 meter of mercury. Calculate the power of heart assuming that pulse frequency is 80 beats per minute, density of mercury is 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube. So now let us see. यहाँ पे क्या करें कि एक human heart जो कि आपका blood discharge करता 70 ml per second में या per beat में, एक beat में 75 ml blood जो है discharge करता है at a pressure, किस pressure के against? 0.1 meter of mercury. 0.1 meter of mercury मतलब 0.1 meter mercury का जितना pressure होता उतना pressure के against वो क्या कर रहा है, blood को release कर रहा है. Calculate the power of heartbeat assuming that pulse frequencies is 80 beats per second. 80 beats per minute मतलब heart की beat जो है 80 beats per minute है. Then during the density of mercury is given as, ठीक. Then so now we have given that V is equal to volume, V is equal to 75 ml, मिलीलीटर 75 मिलीलीटर ब्लड को क्या करता है, वो रिलीज करता है एंड मिलीलीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे. सो नाउ 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10 टू द माइनस 6 मीटर क्यूब. 1 मिलीलीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे दैट इज
75 into 10 to the power minus 6 meter cube. Then pressure is to P से represent करते हैं, pressure P या P dash represent करते हैं इसको, निके pressure P dash is equal to what? That is 0.1 meter of mercury Hg. देखिए pressure के लिए formula होता है rho gh, कितना rho g h, h is given here 0.1 meter. Rho is the density of mercury, and density of mercury is given as 13.6 into 10 to the power 3 into 10 to the power 3 kg per meter cube into g. G is equal to take as 10 g. देखो pressure जो है, जो liquid का जो pressure होता है वो हमेशा rho g h के equal होता है. अपने क्लास 9 में पढ़ा होगा rho g h, या हम उसमें पढ़ेंगे liquid में properties of liquid में, उसमें high pressure वगैरह जो है लिक्विड में पढ़ेंगे. ठीक है, तो प्रेशर आपको याद रखना है rho g h के इक्वल होता है, rho g is given as and g is 10, h is given 0.1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.6 into 10 to the power 3 पास्कल, यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल. देन वर्क डन टू रिलीज in release blood in 1 beat. एक बीट में जब वो ब्लड को रिलीज करेगा तो कितना वर्क करेगा हार्ट, दैट इज वर्क इज इक्वल टू ऑलवेज वर्क इज इक्वल टू द प्रेशर इनटू वॉल्यूम. ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम. देन प्रेशर इनटू वॉल्यूम, देन 80 बीट्स को अब पर मिनट क्या करता है, 80 बीट रिलीज करता है, तो वो 80 बीट रिलीज कर रहा है, सही है 80 बीट, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी कितनी 80 बीट्स पर मिनट है, तो इसका मतलब है 1 बीट में इतना वर्क कर रहा है तो 80 बीट्स में कितना वर्क करेगा. एंड टोटल वर्क डन इन 80 बीट्स, दैट इज 80 इनटू पी इनटू वी, एंड दैट इज इक्वल टू w इज इक्वल टू 80 पी प्रेशर पी डैश दे देते थर्ड पी 13.6 इनटू 10 टू पावर 3 इनटू वी, वी इज इक्वल टू 75 इनटू 10 टू पावर माइनस का 6, तो 85 जा 40 0 87 जा 56 एंड 4 56 एंड 4 हो गया आपका 56 60 and 0 into 13.6 into 10 to the power 3 minus ka 6. 6 se multiply karenge, then 36 carry 3, 3 6 ja, 3 6 ja 18 plus 3 21, carry 2 6 ja 6 plus 2, 6 plus 2 8, 6 plus 2 8, 1 place per decimal hai, 1 place per decimal hai lenge, into 10 to the power minus 3 bacha hai, yahan se triple 0 is the power 3 kar lenge. ठीक है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, देन 81.6 जूल, मतलब 1 मिनट को उसको इतना वर्क करना पड़ रहा है. देन पावर ऑफ हार्ट इज इक्वल टू WIP, एंड टी इज गिवन एज 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट पे 80 बीट्स बना, 80 बीट्स पर मिनट होता है हार्ट बीट. ठीक है, तो यहां पे W इज इक्वल टू 81.6 / T, T इज इक्वल टू 60, 60 से इसको डिवाइड कर देना, यहां पे आपका पावर आ जाएगा. And it is equal to ये है आपका 1.33 watt. तो एक अच्छा सा क्वेश्चन था. ठीक है, तो I hope समझ में आ गया होगा, and thank you for watching this video, and have a nice day, bye bye.